काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। विंध्य में एक बार फिर से मुख्यमंत्री के दौरा होने वाला है। बताया दी कि 7 मार्च का सिंगरौली मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आगमन करेंगी, जहां प्रदेश भर के हितग्राहियों के हितलाभ के वितरण की इंजय। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूछा अपना पंचे सर्वजनन का प्रणाम करी थे, शुरू करी थी बड़ी खबर से। बता दी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 7 मार्च का एक दिवसीय प्रवास पर सिंगरौली आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सिंगरौली में जन आभार यात्रा में शामिल हुए के NCL मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में किसान कल्याण योजना और अन्य योजना के हितग्राहियों का वर्चुअल माध्यम से और आजीविका मिशन के हितग्राहियों के हितलाभ के वितरण करी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव दोपहर 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से चित्रकूट से प्रस्थान करके दोपहर 1:30 पर सिंगरौली पहुंचे ही, जिसके बाद हररई से जन आभार यात्रा के शुभारम्भ किए। विभिन्न वर्ग और समुदाय के प्रतिनिधि से भेंट करके NCL मैदान बैढ़न में आयोजित विशाल आम सभा का संबोधित करके 229 करोड़ रुपया से अधिक के निर्माण कामन के लोकार्पण और शिलान्यास की जाये। दोपहर 3:30 पर हेलीकॉप्टर से प्रस्थान करके नवनिर्मित हवाई पट्टी सिंगरौलिया पहुँच के 3:55 पर वायुयान से इंदौर के खातिर प्रस्थान करें। कलेक्टर अरुण परमार और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैसी सहित अधिकारियों के द्वारा NCL ग्राउंड पिजौली कार्यक्रम स्थल सहित NCL मैदान हररई में बनाए जाए वाले हेलीपैड स्थल के निरीक्षण किएगा। कलेक्टर के द्वारा अधिकारियों का मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर सभा स्थल सहित पार्किंग स्थल, आमजन के बैठक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था प्रस्तावित कार्यक्रम के तिथि से पहले सुनिश्चित करके निर्देश जारी किएंगे। हम सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।